वार्ड क्रमांक 21 लुहारपुरा के 50 घरों के रहवासियों ने आज एसपी से सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा हटाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि रास्ता स्टेट समय का है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि हम सभी वार्ड क्रमांक 21 बड़ा लुहारपुरा वार्ड में निवास करते हैं। हमारे घरों के सामने से शासकीय रास्ता निकला है जो कि स्टेट कालीन है और हम रहवासी ये रास्ता सार्वजनिक है। रास्ते से लगभग 50 परिवारों से अधिक लोगों का आना जाना है। इस रास्ते से वर्षों से पानी के टैंकर, एम्बुलेंस, टैक्सी और अन्य सभी वाहनों के आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते पर भगवती प्रसाद कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा, विवेक शासकीय पर जबरन कब्जा करते हुए भवन निर्माण कराया जा रहा है। शासकीय रास्ता जो बना हुआ है उसको भी दबंगई करते हुए कुशवाहा के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके कारण 50 परिवारों को परेशान किया जा रहा है। उक्त लोगों के पास शासकीय भूमि के पास ही 2 पक्के मकान और 2 खाली प्लॉट है। उक्त लोगों के द्वारा आम रास्ते को बंद कर दिया जाता है जिससे वार्ड के 50 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सभी लोगों ने स्टेट कालीन शासकीय रास्ते पर कब्जा हटाने की मांग की है। कौन बोलेगा? आप बोलोगे भैया? आप बोलोगे? आप बोलोगे? ये बोलना भैया। तो क्या नाम है आपका? जीशान अहमद। कहाँ से आए हो? पुरानी शोपरी वार्ड क्रमांक 21। क्या मामला है? मामला रास्ते का है सर। किस तरह का रास्ता था? तो आम रास्ता, हमारा सरकारी रास्ता जो हमारा मात्र एक सालों से रास्ता, कम से कम 50 साल से रास्ता सर। हम लोगों के मकान ही कम से कम वहाँ पे 40-50 साल से बने हुए। फिर क्या हुआ? कब्जा किसने कर लिया वहाँ पे? कब्जा वहाँ पे भगवती प्रसाद कुशवाहा द्वारा किया जा रहा है, जो कि रास्ते पे निर्माण, जो मेन रास्ता RCC पुराना डला हुआ रास्ता है हमारा, उस पे क्या बोलते हैं, उन्होंने नीम खोद दी है, उन्होंने उस पे प्लॉट निकाल दिया गया। हमारा रास्ता बिल्कुल टोटली बंद। उनके पास कागज होंगे ना? उनके वो सर, वो सरकारी नंबर है, पता नहीं कहाँ से रजिस्ट्री करा ली सर। मतलब रजिस्ट्री भी है? हाँ रजिस्ट्री है, उसमें कोई सर्वे नंबर नहीं है उसका। अच्छा, हमारी सरकार ने कि आप उसको क्या बोलते हैं, उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए उसकी, और हमें हमारा रास्ता दिया जाए। आप हमारी गली में आइए और रास्ता चेक कीजिए। पूरा रास्ता जो है वो 12-13 फीट का रास्ता है। अगर तो सिर्फ वो रास्ते की मांग है, हमारा उनसे कोई पर्सनली विवाद नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, जो भी है हम जाते हैं, आवेदन लेके जाते हैं, थाना आवेदन लेके जाते हैं। क्या कहते हैं? थाना में वही है कि उनके पास रजिस्ट्री है और इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। अगर हम कोई वहाँ पे मौके पे पहुँचते भी हैं उनको रोकने के लिए, तो हमारे ऊपर FIR हो जाती है। SP साहब के पास आए थे, क्या सूचना मिला यहाँ से आपको? SP साहब ने बात करने की बोला है, जाँच करने की बोला है। तहसीलदार साहब के लिए बोला हमने। आपका कहना ये है कि उनके पास एक रजिस्ट्री भी है, कागज जब रजिस्ट्री के पास है तो फिर कैसे फर्जी होगी वो? सर जो सरकारी जो जगह है वो सरकारी रास्ता, सर रास्ते की रजिस्ट्री तो नहीं होती है ना सर। पटवारी सर आए थे, हम तहसील गए थे पटवारी सर के पास, तो पटवारी सर ने मौके पे जो उनका सिस्टम होता है उस पर देख के उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ये रास्ता सरकारी है, इस पे कोई रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। और उन्होंने वहाँ पे आके मौके पे आके काम रुकवाया भी था उस टाइम। कल कोई विवाद हुआ था? कल क्या हुआ? कल विवाद हुआ था सर, उन्होंने क्या है संडे का फायदा उठा के उन्होंने क्या है कि नीम वगैरह खुदवा दी थी वहाँ पे। वहाँ पे क्या बोलते हैं, पुलिस वगैरह भी आई थी, पुलिस वगैरह ने भी खड़े होकर मोहल्ले वालों को मना करा कि आप लोग जाओ। पटवारी साहब आए, उन्होंने उस पर निर्माण को रुकवाया।